अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। इट इज़ योर मैथ्स क्लास। ओपन योर पेज नंबर 119। ऑन पेज नंबर 119 टुडे वी वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल इन योर हैंड, देन राइट डाउन कंप्लीट डेट हियर। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है वो है वर्क दीज आउट, यानी कि आपके पास कुछ सम्स यहाँ गिवन है जिसमें आपको वर्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपके पास ऑलरेडी यहाँ सॉल्व है, तो सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करूंगी, देन हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट उसी मेथड से करेंगे। ए, 1/2 ऑफ 6 केक्स, यानी कि आपको 1/2 की क्वांटिटी बतानी है 6 केक्स में से। ठीक है, यानी कि जो टोटल केक्स हैं वो 6 गिवन है, उसमें आपको 1/2 केक्स में कितनी क्वांटिटी आएगी केक की आपको यहाँ वो बतानी है। सो जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमारा जब फ्रैक्शन में आपके पास कोई वैल्यू गिवन होती है और टोटल नंबर में से आपको उस फ्रैक्शन को बताना होता है, तो हमेशा आप क्या करते हो वहाँ पर डिवीजन का मेथड करते हो। कौन सा मेथड करते हैं? डिवीजन का मेथड करते हैं। और वो डिवीजन का मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं? सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी राइट करते हैं जो हमारे पास गिवन होती है, जैसे 6 केक्स जो है वो हमारे पास टोटल क्वांटिटी गिवन है, तो हमने वो राइट की, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से। जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगा उसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि नीचे वाली वैल्यू से, नीचे वाले नंबर से जो है वो उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ आपको राइट करके शो भी किया गया है कि 6/2, जब आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 3। डिवीजन का प्रोसेस अच्छे से आपको क्लियर है, बट यह मैं आपको राइट करके भी शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमें 6 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कैसे डिवाइड करते हैं कि हम 2 का टेबल इतना रीड करते हैं कि 6 आ जाए, और वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है वो हम ऊपर क्वोटेंट में राइट करते हैं, यानी कि ऊपर राइट करते हैं, जो कि हमारा क्वोटेंट कहलाता है। यानी कि 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो हमने 3 राइट किया। 2 3 6, 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम्स आता है, और 6 में से 6 को लेस किया, 0, नथिंग। तो जो क्वेटन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? जो फ्रैक्शन गिवन होता है उसकी क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जो हमारे पास फ्रैक्शन यहाँ गिवन था 1/2, उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई? 3 केक्स। उसमें कितनी क्वांटिटी आ गई केक्स की? 3 केक्स की क्वांटिटी आ गई। क्लियर है यहाँ तक बात? नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास क्या गिवन है? 1/4 ऑफ 8 बंस। उन्होंने कहा टोटल 8 बंस में से आपको 1/4 बंस की क्वांटिटी बतानी है, तो हम उसको किस वे में करेंगे? सबसे पहले हम टोटल बन की क्वांटिटी राइट करेंगे 8, फिर डिवाइड कर देंगे उसको जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है उसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि 4 से। यानी कि आपको 8 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। जब आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बंस की क्वांटिटी आ जाएगी जो हमसे आस्क की गई यहाँ पर। ठीक है, तो 8 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 4 2 8, कितने टाइम्स में आता है? 4 2 8। तो हम क्या राइट कर लेंगे यहाँ पर? 2। यानी कि 1/4 में बंस की क्वांटिटी कितनी आ गई? 2 बंस की क्वांटिटी आ गई। टोटल 8 बंस में से 1/4 की जो क्वांटिटी आई है वो कितनी आई है? 2 बंस की क्वांटिटी आ गई। क्लियर हो गई बात मेरी यहाँ पर? नाउ पार्ट थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। 1/3 ऑफ 15 काइट्स। अब आपको 1/3 की क्वांटिटी बतानी है टोटल 15 काइट्स में से। ठीक है, टोटल काइट्स कितनी है? 15 है, और उसमें से आपको 1/3 की क्वांटिटी बतानी है काइट्स की। सो सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी राइट करेंगे काइट्स की, जो कि 15 गिवन है, डिवाइड कर देंगे उसको किससे? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, यू ऑल्सो राइट विथ मी इन योर बुक। नाउ 15 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 5। 3 5 15, तो हमने यहाँ 5 राइट किया। तो 1/3 में काइट्स की कितनी क्वांटिटी आ गई? 5 काइट्स। ओके, क्लियर है बात? नाउ डी। डी में हमारे पास क्या गिवन है? 1/5 ऑफ 10 बॉयज़, यानी कि 10 बॉयज़ में से आपको 1/5 की क्वांटिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम टोटल बॉयज़ की क्वांटिटी राइट करेंगे जो कि 10 है, और उसको डिवाइड कर देंगे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से। क्या गिवन है आपके पास डिनोमिनेटर में? 5 गिवन है। नाउ 10 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 को जब 10 से आप डिवाइड करो 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 5 1 5 5 2 10, 5 2 10। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 2। यानी कि 1/5 में बॉयज़ की क्वांटिटी कितनी आ गई? 2 बॉयज़ की क्वांटिटी आ गई, जबकि टोटल यहाँ 10 बॉयज़ गिवन थे। क्लियर है बात? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है?
हाउ मैनी आवर्स आर इन, आपको यहाँ बताना है कि जो आपके पास यहाँ गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें टोटल कितने आवर्स आते हैं आपको वो बताना है, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स आर इन, ये जो आपके पास गिवन है डेज में, डेज की जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है फ्रैक्शंस में, आपको उसमें आवर्स की क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। जैसे कि पार्ट ए आपके पास सॉल्व है, वन अपॉन टू डे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि वन डे जब भी 24 आवर्स बनते हैं तो वो बन जाता है वन डे, यानी कि वन डे में हमारे पास जो टोटल आवर्स आते हैं वो कितने आते हैं, 24 आवर्स आते हैं, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन वन डे, 24 आवर्स। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन वन डे, 24 आवर्स। एक दिन में जो है वो 24 घंटे आते हैं, यानी कि वन डे में जो है वो 24 आवर्स आते हैं। और आपसे यहाँ क्वांटिटी जो पूछी गई है वो आवर्स में ही पूछी गई है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो डे है, डे में जो टोटल आवर्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट किया हुआ है और फिर डिवाइड किया हुआ है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर वन में अटैम्प्ट किया था, सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू अटैम्प्ट करेंगे। तो वन डे में टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाती है आवर्स की, 24 आ जाती है, और उसको डिवाइड कर दिया किससे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि 2 से। जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 24 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 12 आवर्स, यानी कि 2 के टाइम में 24 कितने टाइम्स में आता है, 12 टाइम्स में आता है, तो 12 आवर्स हो गए, यानी कि 1 अपॉन 2 डे, यानी कि 1 एंड हाफ डे में कितने आवर्स आ गए, हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 12 आवर्स। क्लियर है बात। नाउ बी, बी में आपके पास क्या गिवन है, 1 अपॉन 4 डे, आपको 1 अपॉन 4 डे बताना है। डे मींस क्या हो गया हमारे पास, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, तो हम क्या राइट करेंगे, 24। हम 24 क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास आवर है, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स आते हैं और हमें आवर्स की ही क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम टोटल आवर ही राइट करेंगे, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू गिवन है वो राइट करेंगे, और क्या गिवन है यहाँ पर, 4 गिवन है, तो हम यहाँ 4 राइट करेंगे, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे जो आपके पास आर की क्वांटिटी आ जाएगी वो 1 अपॉन 4 डे की क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 को 4 से डिवाइड करना है, 4 के नंबर 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। 4 के टर्म में 24 जो है वो 6 टाइम्स आता है, तो इट मींस जो टोटल आवर्स आएंगे 1 अपॉन 4 डे में वो कितने आवर्स आ जाएंगे, हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 6 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 6 आवर्स, ओके। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 1 अपॉन 3 डे, क्या गिवन है आपके पास, 1 अपॉन 3 डे, यानी कि आपको 1 अपॉन 3 बताना है, यानी कि 1/3 की क्वांटिटी बतानी है आवर्स की जो टोटल डे में आती है। तो टोटल डे में हमारे पास आवर्स कितने आते हैं, हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 24, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले डिजिट से, जो कि क्या गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। सो जब हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/3 आवर्स की क्वांटिटी आ जाएगी टोटल डेज में से, टोटल आवर में से जो डे में हमारे पास आते हैं 24 आवर्स। तो 24 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 का टेबल इतना रीड करेंगे 24 आ जाए, 3 8 ज़ा 24, तो हम क्या राइट करेंगे, 8 राइट करेंगे। 1/3 में टोटल कितने आवर्स आ जाते हैं, 8 आवर्स आ जाते हैं। हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 8 आवर्स। या हमारा पार्ट सी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो गिवन पार्ट्स हैं वो ए टिल ई तक पार्ट्स हैं। हमने आज की क्लास में ए बी सी तक अटैम्प्ट किया, डी और ई आप खुद से अटैम्प करोगे इन योर होमवर्क। क्लियर है बात, डी और ई आप खुद से अटैम्प करोगे इन योर होमवर्क। सो यहाँ हमारा जो है पेज नंबर 119 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।